हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो अगर आपने इस ड्रामे का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जाइए पहले वो देखिए, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था जिम जोंग-क्यून हियोन हैंजिंग को रात की सारी बात बता देती है। अब आगे जिम जोंग-क्यून हियोन हैंजिंग से कहती है, क्या तुम्हारे ब्रदर की कोई गर्लफ्रेंड है? हाँ बताओ मुझे। लेकिन हैंजियोंग कोई जवाब नहीं देती है। वो लास्ट नाइट के बारे में सोच कर डर रही होती है। देन नेक्स्ट हमें हियोन हैंजियोंग के घर पर दिखाया जाता है, जहाँ पर हियोन हैंजियोंग अपने बेड पर लेटी हुई होती है और फोन में कुछ टाइप कर रही होती है, जिसमें वो लिखती है कि मुझे मेरा फोन वापस चाहिए। वो जी और इनको मैसेज कर रही थी। कुछ देर बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आता, तो हियोन हैंजियोंग थोड़ी देर बाद एक और मैसेज करती है, चलो हमारा फोन चेंज कर लेते हैं। तो फिर वहाँ से रिप्लाई आता है, तुम्हारा हमारे से क्या मतलब है? फिर हैंजियोंग खुद से कहती है, मैं समझ गई कि तुम मेरा फोन वापस नहीं करना चाहते। फिर हैंजियोंग एक और मैसेज लिखती है, जिसमें वो लिखती है कि हमारा रिलेशनशिप कब खत्म होगा। तो फिर जियोरन वहाँ से लिखता है कि मेरे बर्थडे के एक दिन पहले। हैंजियोंग खुद से कहती है, इसका मतलब ये मुझसे सच में डेट करना चाहता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लड़की ये बातें कर रहे होते हैं कि आज मैं हियोन डांसी को नहीं जाने दूंगा। वो कह रहे होते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड से फ्लर्ट करने की। वहीं से हैंजियोंग निकल रही होती है और वो सोच रही होती है कि उसके ब्रदर ने कहा था कि इस वीकेंड तुम भूखी नहीं रहना चाहती हो, तो उसी के पास जाओ, जाकर वहाँ से टूना ढूंढ कर लाओ। रफर्ड एप्रन, ये कोई चाइनीज फूड है? आई डोंट नो। हियोन हैंजियोंग कह रही होती है ब्रदर का कितना बुरा टेस्ट है, और वो सोचने लगती है कि जी यूरन उस दिन से मुझे नहीं देखा, पर जिम जोंग-क्यून मेरे पास हमेशा आती है मुझे विजिट करने के लिए। और वो कहती है, हाँ वो मुझे डेट नहीं कर रहा है, मैं भी क्या सोच रही थी। तभी वहाँ पर खड़ी वो लड़की हियोन हैंजियोंग को देख लेते हैं। तभी उनमें से एक लड़का रेड शर्ट वाले लड़के से कहता है, हे देखो, ये हियोन डांसी की सिस्टर है ना। हियोन हैंजियोंग उन्हें देख कर अपना रास्ता चेंज कर लेती है। सडनली वो तीनों लोग उसके आगे आ जाते हैं और उसे कहते हैं, हे हियोन हैंजियोंग, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? मैं तुम्हें देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हूँ। मैंने काफी लोगों से ये सुना है कि तुम जियोरिन की गर्लफ्रेंड हो, क्या ये सच है? हियोन हैंजियोंग एक्सक्यूज देती हुई कहती है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो रेड शर्ट वाला लड़का उसका हाथ पकड़कर सडनली वॉल पर पुश कर देता है और उससे कहता है, तुम्हारे भाई को लेकर मेरा काफी ज्यादा दिमाग खराब है, हो सकता है कि तुम मुझे बेटर फील करवा सकती हो। हाँ, अगर तुम जियोरिन को यहाँ पर कॉल करके बुला दो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। वो कहता है, जल्दी से कॉल करो, इससे पहले मैं तुम्हारे क्लोथ निकाल दूं। हैंजियोंग कहती है, वो मेरी एक कॉल पर आ जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ पर आने के लिए उसका कोई रीजन नहीं है। सडनली हैंजियोंग उसके हाथ को अलग करती है और उससे कहती है, मेरे भाई और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम्हें अब ये जाने देना चाहिए। वो लड़का कहता है, मैं इसे जाने दूं? और मैं इसे क्यों जाने दूं? और तुम इतनी निडर क्यों हो? तुम्हारे बॉयफ्रेंड जियोरिन और तुम्हारे ब्रदर की वजह से तुम्हारी फैमिली एक गंदा बिखरा हुआ सामान है। जब से तुम्हारी मदर तुम्हारे ब्रदर को छोड़कर गई, तब से तुम्हारा ब्रदर अपनी लाइफ में भागता रहता है, और अभी वो मुझसे छिपा हुआ है। तभी हैंजियोंग अपने बैग में से कुछ निकाल कर उसे फेंक कर मारती है और वहाँ से भाग जाती है। उस लड़के के नोज से ब्लड निकलने लगा था। हियोन हैंजियोंग दौड़ते हुए सोचती है कि मुझे पता है कि वो मेरे कॉल पर नहीं आएगा, लेकिन मुझे ट्राई तो करना चाहिए और मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और दौड़ती रहती है। हैंजियोंग कॉल करती है, लेकिन जियोरिन कॉल को पिक नहीं करता है। तभी वो एक बार और ट्राई करती है, इस बार जियोरिन कॉल को पिक कर लेता है। हैंजियोंग कहती है, मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने तुम्हें इस समय परेशान कर दिया, क्या तुम यहाँ पर आ सकते हो? वहाँ से जियोरिन कहता है, नहीं। हैंजियोंग कहती है, प्लीज मेरी बात सुनो, मैं हियोन हैंजियोंग हूँ। जियोरिन कहता है, तुम कहाँ पर हो? हैंजियोंग बता नहीं पा रही थी कि वो कहाँ पर है। वो काफी ज्यादा डर जाती है और उसे सांस नहीं आ रही थी, और वो कहने लगती है, ये लोग मुझे पकड़ लेंगे। दौड़ते दौड़ते वो किसी से टकरा जाती है और वो कहती है, मुझे माफ कर देना। जब वो उसे नजर उठाकर देखती है तो वो जियोरिन था। इस वक्त वो सच में उसे अपने सामने पाकर फूट फूट कर रोने लगती है। जियोरिन कहता है, तो तुमने मुझे हाइड एंड सीक खेलने के लिए यहाँ पर कॉल करके बुलाया था? हैंजियोंग कहती है, ये तुम हो, तुम सच में आ गए? हैंजियोंग को रोते देख वो ऐसे ही उसे घूरता रहता है। तभी वो लोग उसके पीछे से आ जाते हैं। रेड शर्ट वाला लड़का कहता है,
ह्यून हैंजंग, तुमने सच में अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके बुला दिया? हैंजंग, तुम सच में पागल हो? और अपने मन में कहता है, ये यहाँ पर क्यों आया है? अगर इसे गुस्सा आ गया तो हमारे लिए मुसीबत हो सकती है। और फेक स्माइल करते हुए कहता है, ए जी यूरिन, तुमसे रिसेंटली मिलना सच में बहुत हार्ड है। तो क्या सच में ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? मैंने लोगों को सुना है लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। और वो हैंजंग के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, मैंने तो बस इससे मजाक किया था, लेकिन ये तुरंत ही वहाँ से भाग गई। इतना कह के वो हंसने लगता है। तब हैंजंग को पता चलता है कि ये दोनों तो फ्रेंड हैं और एक ही साथ स्टडी करती हैं। हैंजंग डरने लगती है और कहती है, मैं सच में पागल हूँ। तभी जियोरिन कोल्ड वॉइस में कहता है, हटाओ। तो वो बैड बॉय कहता है, क्या? जियोरिन कहता है, क्या तुम बहरे हो? मैंने कहा उसके शोल्डर से अपना हाथ हटाओ, और हम आज से दोस्त नहीं है। हैंजंग ऐसा सुनकर शॉक्ड रह जाती है। तभी जियोरिन आगे बढ़ने लगता है और वो बैड बॉय पीछे बढ़ने लगता है और डरने लगता है और कहता है, जियोरिन तुम्हें क्या हो गया? जियोरिन कहता है, कुछ दिनों पहले तुमने मेरा नाम यूज करके कुछ लोगों को परेशान किया और उनकी मनी को चुरा लिया। मैं अपने दोस्तों में तुम जैसा घटिया दोस्त नहीं चाहता हूँ। जियोरिन उसे पंच मारता है और वो वहीं पर गिर जाता है। जियोरिन कहता है, मैं इसे जाने दूंगा अगर तुम छिपे रहो। ये पंच मैंने जो तुम्हें मारा है ये केवल एक मजाक था। अगली बार से ऐसा किया फिर तो तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। देन नेक्स्ट वो दोनों साइबर कैफे में आ जाते हैं। वो दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं। तभी ह्यून हैंजंग जियोरिन से कहती है, तुम्हारा शुक्रिया। तो जियोरिन कहता है, किस लिए? ह्यून हैंजंग कहती है, मुझे बचाने के लिए। जियोरिन कोल्डली कहता है, उसे पे बैक कर देना। तभी ह्यून हैंजंग सोचती है, कम ऑन, इतना भी मत शर्माओ, तुम कम से कम वेलकम तो बोल सकती हो ना। ह्यून हैंजंग कहती है कि जिन चोंगयंग मेरे पास 10 मिनट में आने वाली थी लेकिन वो अभी तक आई क्यों नहीं। हैंजंग जियोरिन की तरफ देखती है, वो काफी समय से कुछ टाइप कर रहा था और एक ही तरफ देखे जा रहा था। हैंजंग कहती है, ये इतनी देर से ये क्या घूरे जा रहा है? हैंजंग जब देखती है तो वो टेट्रिस खेल रहा था जो गेम 1985 में लॉन्च हुआ था। हैंजंग ऐसा देखकर शॉक्ड रह जाती है और सोचने लगती है, मुझे यकीन नहीं होता कि आज भी लोग पबजी और लोल को छोड़कर ऐसा गेम खेला करते हैं। और कहती है, कैसा अजीब इंसान है। तभी जियोरिन कहता है, थोड़ी टाइपिंग प्रैक्टिस करना भी अच्छी बात होती है। और वो कहता है, चलो अब चलते हैं, यहाँ से जाने का समय हो गया है, अपना बैग उठाओ। तभी हैंजंग उसे एक फूड देती है जो कि उसके ब्रदर ने मंगाया था। जियोरिन कहता है, मुझे सी फूड से एलर्जी है। तभी हैंजंग कहती है, क्या? और वो उसे छीने लगती है। वो कहती है, अगर तुम्हें सी फूड से एलर्जी है तो मुझे ये वापस करो। जियोरिन कहता है, नहीं, मुझे सी फूड से एलर्जी नहीं है, किसी को एक बार चीज दे दो तो उसे वापस नहीं ली जाती। और बैग लेकर खड़ा हो जाता है और ह्यून हैंजंग से कहता है, चलो हमें जिम चोंगयोन ने मैसेज किया है, हमें जल्दी चलना होगा। हैंजंग कहती है, कैसा अजीब आदमी है, किसी को भला सी फूड से भी एलर्जी होती है। देन नेक्स्ट वो दोनों रास्ते में चल रहे होते हैं। तभी जिन चोंगयोन और सोंग जिनम कह रहे होते हैं, तुम दोनों साइफर कैबे में क्या कर रहे थे और अब तुम दोनों अकेले एक साथ चल रहे हो? हैंजंग कहती है, हम कैफे में टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी वो दोनों हंसने लगते हैं। तभी जिन चोंगयोंग सड़क पर किसी को देखती है, वो नैन डोंगयोंग था। नैन डोंगयोंग किसी को कॉल कर रहा होता है। फिर पता चलता है नैन डोंगयोंग ह्यून हैंजंग को ही कॉल कर रहा था। कॉल को जियोरिन पिक करता है क्योंकि वो फोन तो जियोरिन के पास ही था। जियोरिन कहता है, क्या? नैन डोंगयोंग कहता है, ह्यून हैंजंग, तुम्हारी वॉइस को क्या हो गया? तभी ह्यून हैंजंग सोचने लगती है, डोंगयोंग ने मेरे पास फोन किया था लेकिन मेरा फोन तो उसके पास है। तभी वो सब लोग नैन डोंगयोंग को आवाज लगाने लगते हैं और कहते हैं, हम यहाँ पर हैं। नैन डोंगयोंग उनकी तरफ देखता है और ह्यून हैंजंग को देखता है। ह्यून हैंजंग को देखकर बड़ी सी स्माइल करने लगता है। हैंजंग कहती है, हाय नैन डोंगयोंग, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। वो सब लोग साथ में चलने लगती हैं स्माइल करते हुए। तभी नैन डोंगयोंग ह्यून हैंजंग से कहता है, ह्यून हैंजंग, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया? ह्यून हैंजंग कहती है, हाँ मैंने भी तुम्हें बहुत बुरी तरह मिस किया। नैन डोंगयोंग कहता है, क्या सच में तुम झूठ तो नहीं बोल रही? और वो उससे कहता है, तुम्हारे फोन को अभी भी जियोरिन क्यों लिए हुआ है? बताओ मुझे, उसने तुम्हें वापस क्यों नहीं किया? और तुम दोनों अभी साथ में क्यों आ रहे थे? क्या तुम दोनों? वो इतना ही कह पाता है तभी सोंग जिनम कहता है, ह्यून हैंजंग और जियोरिन डेट कर रहे हैं, क्या तुम्हें नहीं पता? क्या तुमने उस दिन नहीं सुना था? तुम भी तो थे वहां पर। नैन डोंगयोंग ह्यून हैंजंग से कहता है, ह्यून हैंजंग, कह दो कि सोंग जिनम झूठ कह रहा है, ये सच नहीं है ना? ह्यून हैंजंग कहती है, हाँ हम दोनों डेट कर रहे हैं। और कहती है, पता नहीं क्यों लेकिन बस ये थोड़े समय के लिए ही है। नैन डोंगयोंग कहता है, तो तुम्हारी ये रिलेशनशिप कब खत्म होगी? तो ह्यून हैंजंग जियोरिन की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, शायद इस आदमी के बर्थडे के एक दिन पहले तक। जियोरिन कहता है, आदमी? जियोरिन कहता है,
ह्योन एनजियोंग, अपने शब्दों पर ध्यान दो। ह्योन हैजियोंग कहती है, मेरा नाम ह्योन हैजियोंग है, ह्योन एनजियोंग नहीं है, मेरे नाम को सही से लो। नैनटोंग ह्योन हैजियोंग से कहता है, लेकिन मैं बेटर च्वाइस हूँ। ह्योन हैजियोंग कहती है, क्या? नैनटोंग कहता है, अगर मैं और जी यूरिन एक साथ रिवर में डूब रहे हों तो तुम किसे बचाओगी पहले? हैजियोंग जी यूरिन की तरफ देखती है तो जी यूरिन यहाँ वहाँ देखने लगता है जैसे कि उसे इस बात की कोई परवाह ही ना हो। तभी ह्योन हैजियोंग नैनटोंग से कहती है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें पहले बचाऊंगी। ऐसा सुनकर नैनटोंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, क्या सच में तुम पहले मुझे बचाओगी? तो ह्योन हैजियोंग कहती है, हाँ मैं पहले तुम्हें ही बचाऊंगी। जी और हैजियोंग की तरफ इतनी तेज घूरता है जैसे मानो कि उसे वो खा ही जाएगा। नैनटोंग कहता है, अच्छा ठीक है, अब मुझे जाना होगा, अब मैं चलता हूँ, जब तुम दोनों का ब्रेकअप हो जाए तब मैं तुमसे मिलने आऊँगा। इतना कह के वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। ह्योन हैजियोंग और सॉन्ग जिन्नम सारे लोग देखकर उसे ऐसे ही शॉक्ड रह जाते हैं। जी और अभी भी उसे गुस्से में देख ही जा रहा था और उसे वो कहता है, तो तुम अपने बॉयफ्रेंड को ऐसे ट्रीट करोगी, पहले तुम किसे बचाओगी? हाँ, तभी सॉन्ग जिन्नम और जिम जोंग योंग हंसने लगते हैं और कहते हैं, जी ओरन जेलस हो रहा है। सॉन्ग जिन्नम कहता है, जी ओरन के ऊपर हंसो मत, उसे नफरत है कि उसे किसी के साथ कंपेयर किया जाए। हैजियोंग कहती है, जी ओरन भला मेरे लिए क्यों जेलस होगा, ये तो इम्पॉसिबल है। जी ओरन कहता है, जेलस, मैं कोई जेलस नहीं हूँ, मुझे गलत मत समझना, जेलस वॉट एवर नॉनसेंस। हैजियोंग कहती है, मुझे माफ कर देना, और सोचने लगती है, पता नहीं क्यों लेकिन ये बहुत गुस्से में लग रहा है, अगर मैंने अपना मुंह बंद नहीं रखा तो ये मुझे मार ही डालेगा। और कहती है, मुझे तो लगा था कि ये मुझसे नाराज होगा लेकिन मैं गलत थी। देन नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है ह्योन हैजियोंग जी यूरिन को थैंक्स बोल रही होती है क्योंकि जी यूरिन ने उसका फोन वापस कर दिया था और वो उसे कहती है, अब हमारे पास मिलने के कोई चांस नहीं है, जब हम लोग कभी मिल भी जाएं तो हम लोग हाय बोल दिया करेंगे। लेकिन जी यूरिन तो अपने फोन को ही घूरे जा रहा था। हैजियोंग कहती है, ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? जी यूरिन थोड़ी देर बाद कहता है, तुम ये क्या कह रही हो, हमारा स्कूल बिल्कुल पास पास में है तो हम दोनों कैसे नहीं मिल सकते हैं? तुम चाहो या ना चाहो हम दोनों बाद में मिल ही जाएंगे। हैजियोंग कहती है, हाँ तुम सच कह रहे हो। देन नेक्स्ट हमें हैजियोंग के घर पर दिखाया जाता है जहाँ पर हैजियोंग सोच रही होती है। वो कहती है कि वो हमेशा मुझे घूरता रहता है और मुझे घर पर छोड़ जाता है, मैं उस आदमी को सच में नहीं समझ पा रही हूँ। और वो कहती है कि जब मैं उसे आदमी कहती हूँ तो वो और भी चिढ़ जाता है और इतना सोचते सोचते वो हंसने लगती है। सडनली उसका ब्रदर आ जाता है, उसका ब्रदर कहता है, ह्योन हैजियोंग। ह्योन हैजियोंग सडनली डर जाती है और अपने ब्रदर से चिल्लाते हुए कहती है, तुम एक गर्ल के रूम में बिना नॉक किए कैसे आ सकती हो? उसका ब्रदर भी एंग्री वॉइस में कहता है, मैं 10 बार नॉक कर चुका लेकिन तुम्हें सुनाई नहीं देता, इसलिए मैं अंदर आया हूँ। वो कहता है, वो टूना, मैंने तुम्हें सी के पास टूना फाइंड करने के लिए भेजा था, क्या तुमने उन्हें फाइंड किया? वो कहती है, हाँ मैंने 3 फाइंड किए थे। फिर उसे याद आता है कि उसने एक टूना तो जी उनको दे दिया था, इसलिए वो अपने ब्रदर से कहती है, मैंने 3 फाइंड किए थे, एक मैंने अपने फ्रेंड को दे दिया। उसका ब्रदर कहता है, क्या सच में तुमने तो नहीं खा लिए? ह्योन हैजियोंग कहती है, हाँ मैं सच बोल रही हूँ, मैंने नहीं खाया, अब तुम यहाँ से जाओ। वो बाहर चला जाता है। ह्योन हैजियोंग से कहता है कि अभी थोड़ी देर में आ जाना और डिनर कर लेना आकर। यहाँ ह्योन हैजियोंग सोच रही होती है कि मैं 18 साल की हो चुकी हूँ और पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि आगे के आने वाली पल बहुत स्वीट होने वाली है। और फिर कहती है, ह्योन हैजियोंग, क्या तुम पागल हो गई हो, तुम ये क्या सोच रही हो? देन नेक्स्ट हमें मॉर्निंग में दिखाया जाता है। मॉर्निंग में ह्योन हैजियोंग बिल्कुल अपनी क्लास में बैठी हुई होती है, तभी वहाँ पर हो जियोंग आ जाती है और ह्योन हैजियोंग से कहती है, तुमने रात को मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया? और कहती है, अब मैं तुम्हारी आईब्रो को सेट कर देती हूँ। हैजियोंग कहती है, नहीं रहने दो, तुम जाने दो, लास्ट टाइम जब तुमने मेरी आईब्रो सेट की थी तब तुमने मेरी सारी आईब्रो को सेव कर दिया था। लेकिन हो जियोंग उसकी कोई बात नहीं सुनती है और उसकी आईब्रो सेट करने लगती है, तभी उसकी आईब्रो कट हो जाती है। फिर हो जियोंग कहती है, मैंने कहा था कि तुम हिलना मत, देखो अब तुम्हारी आईब्रो कट गई, ये तुम्हारी गलती है। ह्योन हैजियोंग कहती है, अब मैं इस हाफ आईब्रो के साथ कैसे क्लास अटेंड करूंगी? और वो दोनों बाहर जाने का सोचती हैं। हो जियोंग कहती है कि हैंग जियोंग गर्ल्स हाई स्कूल जिसमें कि ह्योन हैजियोंग पढ़ती है और इन इल जियोंग वो इन्फॉर्मेशन हाई स्कूल के बीच में जिसमें कि जी ओरिन पढ़ता है, इन दोनों के बीच में एक डॉग हॉल है जिसे हम बाहर जा सकते हैं। जोंग हैजियोंग से कहती है, मैं पहले जाऊंगी, अगर मैं बाहर निकल जाती हूँ तो मैं तुम्हें किक करूंगी और तुम बाहर आ जाना। तो ह्योन हैजियोंग कहती है, ठीक है मैं आ जाऊंगी। हो जियोंग डॉग हॉल में घुस जाती है और वो बाहर निकल जाती है। वो ह्योन हैजियोंग से कहती है, तुम भी जल्दी बाहर निकल आओ। तभी हो जियोंग से एक लड़का पूछता है कि क्या और कोई भी अंदर है। वो डॉग हॉल में झुक कर देखने लगता है, तभी ह्योन हैजियोंग निकल आती है और वो दोनों की सीन कुछ इस तरह होती है।
कोई नहीं, हमारा जियोरेन था जो रास्ता डॉग हॉल का निकलता है वो इन एलजीबो इन्फॉर्मेशन हाई स्कूल के प्लेग्राउंड में निकलता है। जियोरेन कहता है कि दूसरे स्कूल के स्टूडेंट इस स्कूल में बिना आईब्रो के वेलकम नहीं है। हियोन हैंजोंग कहती है मैं इस आईब्रो के बारे में तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ, और वो कहती है तुम्हें मिलकर मुझे अच्छा लगा, और वो सोचने लगती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुमसे यहाँ पर मिलूंगी। सोंग जिन्नम कहता है ए हियोन हैंजोंग आओ मेरे साथ यहाँ पर बास्केटबॉल खेलो आकर, और वो जियोरेन से कहता है हे जियोरेन अपनी ड्रेस को देखो, क्योंकि जियोरेन की ड्रेस गंदी हो चुकी थी। हियोन हैंजोंग जियोरेन से कहती है तुम घर जाकर अपनी ड्रेस को वॉश कर लेना, और वो कहती है अच्छा मैं घर जा रही हूँ अब तुम लोग मजे करो। वो मुड़कर जाने ही लगती है तभी जियोरेन उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी हो जियोन हैंजोंग से कहती है हियोन हैंजोंग क्या तुम इसे अच्छे से जानती हो। जियोरेन कहता है थोड़ी देर रुको मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर वो तीनों बस स्टॉप पर आकर बैठ जाते हैं। हो जियोन हियोन हैंजोंग से कहती है कि मुझे भी इंट्रोड्यूस करवाओ अपने फ्रेंड से। हियोन हैंजोंग तो कोई भी जवाब नहीं देती है। तभी जियोरेन कहता है हम दोनों डेट कर रहे हैं तो अपना टाइम को वेस्ट मत करो। तभी वहाँ पर बस आ जाती है। जियोरेन कहता है चलो बस आ गई है। वो दोनों बस पर आ जाते हैं। तभी हियोन हैंजोंग सोच रही होती है कि मेरा हार्ट इतनी तेज बीट क्यों कर रहा है, शायद इसलिए कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। तभी जियोरेन उसे पूछता है तो तुम मेरे पास ना तो कॉल कर रही हो ना मुझसे बात करती हो, क्या तुमने मुझे डंप कर दिया। हैंजोंग कहती है क्योंकि तुमने मुझसे पूछा नहीं कॉल करने के लिए। थोड़ी देर वो दोनों शांत खड़े रहते हैं। हियोन हैंजोंग जियोरेन से कहती है अच्छा तो तुम्हारे बर्थडे के अभी कितने दिन बाकी रह गए हैं। तो जियोरेन कहता है अभी बहुत सारे दिन हैं। हियोन हैंजोंग कहती है अच्छा तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है, तुम्हारी मदर तो तुम्हारी तरह खूबसूरत होंगी ना। तो जियोरेन कहता है मेरी मदर नहीं है। ओके गाइस आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।